दोस्तों, टॉप फाइव की लिस्ट बिग बॉस 17 की आ चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, टॉप फाइव में मुझे लग रहा है अभी मुनावर, अंकिता, यूके राइडर अनुराग, डोभाल, अभिषेक और मनारा। जी हाँ दोस्तों, ये टॉप फाइव में रहेंगे, क्योंकि मनारा को तो टिकट टू फिनाले लेके उसको लिखा फिनाले तक लेके जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों टक्कर होगा अभिषेक और ईशा का दोस्तों। जी हाँ, ईशा ने जो कल डिसीजन लिया दोस्तों, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है उसने गलती कर दिया है अनुराग को बचा के, क्यों अपने लिए, है ना। विकी भी बोल रहा था उसको कि उसको सब प्लेटर में दे दिया था टॉप फाइव में जाने के लिए ईशा को, लेकिन उसने ही ये कर दिया विकी भाई। फिर अनुराग के सामने आके विकी भाई ने जबान पलट ली। तो अब ईशा और अभिषेक में टक्कर होगा टॉप फाइव के लिए। क्या लगता है आपको, ईशा को निकाल देंगे क्या वोटिंग में? वोट नहीं करेंगे क्या? क्योंकि अगर ईशा नॉमिनेट होती है तो वो निकल जाएगी, क्योंकि अभिषेक का फैन फॉलोइंग ज़्यादा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक का जो फैन फॉलोइंग फैंडम है वो बहुत ज़्यादा है। और मनारा को तो वो लोग टॉप फिनाले तक लेके जाएंगे वो लोग बिग बॉस, है ना। तो क्योंकि वो मनारा उसकी फेवरेट है, तो वो लेके जाएंगे उनको। अभी उसको अभी अभी मनारा को ना अभी मुनावर और राइडर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गेम एंडिंग में आ चुका है। अब पहले ज़रूरत थी उनको, राइडर और मुनावर की ज़रूरत थी मनारा को पहले, क्योंकि उनका कोई इंडिविजुअल गेम नहीं था मनारा का, लेकिन अभी एक है उनका गेम इंडिविजुअल मुद्दा बनाने का। तो अभी वो फिनाले तक लेके जाएंगे मनारा को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टॉप फाइव मेरे हिसाब से तो अभी दोस्तों मुनावर, अंकिता, अनुराग और अभिषेक और मनारा है। ईशा का पत्ता कट हो गया ये ऐश्वर्या का डिसीजन वाला से। नील भी चला जाएगा, समर्थ भी निकल जाएगा, रिंकू भी चली जाएगी, आयशा भी निकल जाएगी, सब निकल जाएंगे धीरे धीरे एंडिंग में। टॉप टू में मुझे लग रहा है, देखिए मुझे लगा था ऐसा होगा, मुनावर और अनुराग एक साइड इधर एक साइड इधर, सलमान सर बीच में हाथ उठाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा ना भी हो सकता, अंकिता भी हो सकती है अनुराग की जगह। तो टॉप थ्री तो इधर अनुराग और अंकिता और मुनावर ने वो कर लिया है प्लेस, मतलब जगह बना लिया उन्होंने अपना, है ना। कुछ भी हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ईशा का ये फैसला दोस्तों उस पर मैं भारी ना पड़ जाए एंडिंग में। वैसे कोई बात नहीं, ईशा तो फिर ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ना, कोई बात नहीं। चलिए थैंक यू भाई चैनल का। अच्छा, और कैप्टेंसी टास्क शायद शुरू होगा, लाइव फीड चालू है, शायद उन गार्डन एरिया के लाइट्स बंद कर दिए गए हैं। चलिए देखते क्या होता है। थैंक यू।